नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बनाएंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। चाहे आप इसे पर्स में बनाएं, कैप में बनाएं, हैट में बनाएं, सॉक्स में, शूज में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बनाएंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तीन फंदों का ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। ये डिजाइन का पहला लाइन है और हम सामने की तरफ हैं। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो एक फंदा उल्टा हो जाएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे या तो उल्टा बुने या फिर स्लिप कर लें। फिर उन दूसरी ओर देखिए, अगला फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब दो फंदा हमने सामने से सीधा बुना था और एक फंदा उल्टा बुना था, तो ये उल्टा वाला फंदा पीछे से सीधा है, इसे हमने सीधा बुन लिया। अब बचा दो फंदा सीधा, तो इसे हम उन अपनी ओर करेंगे और इस साइड से भी हम इन दोनों फंदों को सीधा ही बुनेंगे। धागा हम थोड़ा ढीला रखेंगे। दो फंदा सीधा बुन लिया। अब ऊन जो हमने अपनी ओर किया था तो ये जाली बन गया था। अब इस जाली को उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब देखिए, अगला फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और दो फंदा उल्टा है। इधर से हमने सीधा बुना था और रॉन्ग साइड से ये दो फंदे उल्टे आ गए हैं, तो इन्हें हम सीधा ही बुनेंगे। लेकिन सीधा बुनने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। उन हमने अपनी ओर किया था तो ये जाली बन गया है। अब इसे हम ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, गिरा देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, अगले दो फंदे उल्टे हैं लेकिन इन्हें हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। सीधा बुन लिया। अब इस जाली को, उनको हमने अपनी तरफ किया है तो ये देखिए एक जाली पड़ गया है। अब इस जाली को हम उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल के नीचे गिरा देंगे। जाली था, फंदा बड़ा हुआ था, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फिर अगला फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं लेकिन उल्टा नहीं बुनना है, हमें इन दोनों फंदों को सीधा बुनना है। लेकिन सीधा बुनने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। फिर दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, यानी जाली देखते हुए सीधा। तो दो फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए, जो
जाली दिया, एक फंदा बढ़ गया। अब इस जाली को हम उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे नीचे गिरा देंगे। बढ़ा हुआ फंदा हमारा घट गया, खत्म हो गया। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब फिर से देखिए, पहला फंदा सीधा, सीधा बुनिए या फिर स्लिप कर लीजिए ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे। अब लास्ट में दो फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा एज स्टिच है, या तो उल्टा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब अगले दो फंदे उल्टे हैं, लेकिन हमें इन्हें उल्टा नहीं बुनना है, इन्हें हमें सीधा बुनना है। लेकिन सीधा बुनने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है, जैसे हम जाली डालते हैं वैसे हम इन दोनों फंदों को जाली डालते हुए सीधा बुन लेंगे। अब जाली को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे नीचे गिरा देंगे। अब अगला फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा दो उल्टा है, इसे हम सीधा, इन फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे, लेकिन उसके पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और तब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। जाली को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे नीचे गिरा देंगे। अब अगला फंदा देखिए सीधा है, तो इसे सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे उल्टा है, लेकिन इन्हें हमें सीधा बुनना है। सीधा बुनने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है, फिर दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब जाली को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे, जाली को वापस गिरा देंगे। अगला फंदा सीधा, इसे सीधा बुन लेंगे। अब देखिए लास्ट में दो फंदे बचे हैं। अब देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, तो इन्हें हमें सीधा बुनना है, लेकिन जाली उनको अपनी तरफ करके तब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। जाली को उठाया, दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लिया। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। दो ही लाइन का डिजाइन है और तीन फंदों का और दो लाइन का डिजाइन है। और देखिए डिजाइन हमारा बनके, तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।